नाम किश्वा भट्टी है और मेरे साथ मंजूर एंथनी गिल साहब मौजूद है जो सोशल एक्टिविज्म करते हैं, इंसानी हकूक पर काम करते हैं। ये रात का वाक्य है, मैं आप सबके साथ, तमाम दोस्तों के साथ, तमाम जिंदा दिला लोगों के साथ और तमाम सोशल एक्टिविस्ट के साथ और मीडिया के अरकान के साथ, हॉस्पिटल के साथ और पुलिस के साथ हम इस बात को शेयर करना चाहते हैं कि रात गए रावल मसीह, जिसके वालिद मोहतरम का नाम रशीद मसीह है, उम्र तकरीबन इनकी 18 से 20 साल है, रिहाइश के रहते हैं जी कसूबा में, चेक नंबर है 242 और रात 11 बजे के करीब ये अशफाक ये रात को गए हैं जी ईंटे लेने। खुशहाल टाउन के ऊपर एक पट्टा है जहाँ से ये ब्रिक फैक्ट्री है जहाँ से ये ईंटे लेने गए हैं और ईंटे लेने गए हैं। जब ये पट्टे के ऊपर पहुंचे हैं तो इनका पैर वहाँ से लोग कहते हैं स्लिप हुआ है या हमें नहीं इस बात का पता, हमें सिर्फ इस बात का पता है कि वो बच्चा 18 साल का मसीही नौजवान वहाँ मर गया और सिर्फ उसकी हड्डियाँ सामीन ग्रामी में मिली हैं, ना तो उसका खून है ना तो उसका मांस है, सिर्फ हड्डियाँ हैं और वो भी दूर से नजर आती हैं। और पुलिस की मैं कार्रवाई अब तमाम हजरात के साथ शेयर करता चलूँ, पुलिस DSP साहब वहाँ आए हैं, उन्होंने ना तो बच्चे के माँ बाप को बुलाया है, ना किसी बहन भाई को बुलाया है, ना किसी रिश्तेदार को बुलाया है और वैसे ही अपनी कार्रवाई पूरी करके, जहाँ पुलिस हमारे साथ हमेशा करती है, वैसे करके अपने घरों में ठंडे दफ्तरों में जाकर गए। उसके बाद भट्टा मालकिन ने ना तो घर वालों के साथ किसी किस्म की उन्होंने यकजहती का मुजाहरा किया है और ना वहाँ जो मजदूर उसके भाई थे उनके साथ, और ना जब हम उधर गए हैं फैक्ट फाइंडिंग के लिए, देखने के लिए कि क्या माजरा हुआ है। सबसे पहले मैं वहाँ पहुँचा हूँ, मैंने मंजूर एंथनी साहब को कॉल की है और फिर मैंने बहुत से दोस्तों को कॉल किया है और वो वहाँ अभी तक नहीं पहुँच सके। और मेरी अब तमाम से तमाश है कि जब एक बच्चे के डोर लगती है तो पूरा पाकिस्तान हिल जाता है, पंजाब पुलिस एक्शन में आ जाती है। तो यहाँ देखें जुल्म है, बल्कि मैं कहता हूँ कि जुल्म की इंतहा है। एक शख्स को फेंक दिया जाए, एक शख्स मर जाए, पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई ना करे, वो चलता रहे। अगर किसी का किसी हॉट पॉट के साथ या कोई गर्म कुछ चीज़ उसके साथ हाथ लगता है ना, बड़ी तकलीफ होती है। अगर किसी को फेंक दिया जाए और इसके बाद पुलिस कार्रवाई ना करे तो अब क्या इसके लिए कह सकते। मेरी आप तमाम से तमाश है इस केस को उठाए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करें, आए सब मिलकर काम करें और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। बहुत शुक्रिया।